कांग्रेस के अंदर सब ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस में जिस प्रकार से एक परिवार सबको चलाना चाहता है और परिवार ही तय करता है, उससे पार्टी के जो जमीनी नेता वो तंग हैं। जिन लोगों को लेकर वह खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज उन्हीं लोगों के साथ समझौता करके चुनाव लड़े, ये कैसे पॉसिबल है? राजधानी दिल्ली से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने आज सुबह अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अरविंदर सिंह लवली ने पिछले साल अगस्त के महीने में ये पद संभाला था और करीब 8 महीने वो इस पद पर रहे। लवली ने कहा कि इस 8 महीने में मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारियां दी, मैंने बखूबी निभाया। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा का चुनाव है और इस बीच लवली का इस्तीफा पार्टी के लिए बड़ा झटका है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर अरविंदर सिंह लवली कौन है, इनका सियासी सफर कैसा है। कांग्रेस पार्टी की दिल्ली इकाई में सबसे प्रमुख नामों में एक लवली करीब 30 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अरविंदर सिंह लवली पहली बार 1998 में गांधीनगर सीट से दिल्ली विधानसभा के लिए चुने गए थे। साल 2017 में लवली ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वो कांग्रेस में वापस लौट आए। दिल्ली कांग्रेस के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे। 1998 से 2013 तक दिल्ली कांग्रेस के विधायक रहे। इसके साथ ही 2003 से 2013 तक दिल्ली सरकार में मंत्री रहे। लवली ने दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली सरकारों में शहरी विकास और राजस्व मंत्रालय, शिक्षा और परिवहन जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभाली। वो दिल्ली में सबसे लंबे समय तक शिक्षा मंत्री रहे। शिक्षा मंत्री रहते हुए लवली ने स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार खत्म किया, EWS और लाडली योजनाएं शुरू की। शहरी विकास मंत्री रहते हुए अवैध कॉलोनियों को नियमित किया। लवली ने क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम गंभीर, भारतीय जनता पार्टी या भाजपा और आतिशी यानी कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो गौतम गंभीर से 3,92,000 वोटों से हार गए। दिल्ली में जन्मे और पले बढ़े लवली ने दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि DU के SGTB खालसा कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन डिग्री ली। अपने कॉलेज के दौरान लवली छात्र राजनीति में काफ़ी आगे थी। बाद में 1990 में उन्हें दिल्ली युवा कांग्रेस की महासचिव के रूप में चुना गया और फिर 1992 से 1996 तक नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में ये काम करते रहे। साल 2017 में लवली ने कुछ समय के लिए पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया और अप्रैल 2017 में भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही ये कहते हुए कांग्रेस में लौट आए कि वे BJP में वैचारिक रूप से फिट नहीं हैं। साल 2020 के दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने अरविंदर सिंह लवली को विधानसभा क्षेत्र गांधीनगर से मैदान में उतारा था, जहां उनका मुकाबला आपके नवीन चौधरी यानी कि दीपू और BJP के अनिल वाजपेयी से था। इस सीट से आपके अनिल कुमार वाजपेयी ने जीत हासिल की और यहाँ एक बार फिर अरविंदर सिंह लवली को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद इस तरह से अरविंदर सिंह लवली का कांग्रेस छोड़ देना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित होगा।